मैं योगेंद्र प्रसाद सिंह, प्राचार्य सह आशुलिपि अनुदेशक, आदर्श कमर्शियल इंस्टीट्यूट सिवान बिहार। मैं हिंदी आशुलिपि का डिक्टेशन एक्सरसाइज आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 4 मिनट का आपका पैसेज होगा। आप उसके लिए तैयार हो जाएं, बी रेडी। एक राजा को एक बुरी खबर मिली कि किसी दूसरे देश के राजा की सेनाएं उसकी सीमाओं पर हमला करने लगी हैं। थोड़ी सी देरी में यह खबर शहर के हर कोने में फैल गई। हर एक युवा, स्त्री पुरुष, छोटे और बड़े सभी लोग सेना में भर्ती हो गए। उसी शहर में एक गरीब बुढ़िया भी रहती थी। उसके बुढ़ापे का सहारा और आँखों का तारा उसका 12 वर्ष का बेटा ही था। संकट की खबर सुनते ही बुढ़िया लड़के को राजा के पास ले गई। वहाँ उस समय लड़ाई के बारे में विचार हो रहा था। बुढ़िया राजा के सामने खड़ी होकर कहने लगी कि मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है जिससे मैं देश की सेवा कर सकूं। मेरे पास यही इकलौता बेटा है। दूसरी माताएं जैसे लड़कों व लड़कियों को लड़ाई में भेज रही हैं, वैसे ही मैं भी बेटे को लड़ाई में भेजने के लिए उत्सुक हूँ। राजा ने बुढ़िया की ओर देखा और कहा कि मेरी यह इच्छा है कि तुम इसको घर वापस ले जाओ। पैराचेंस मजबूर होकर राजा को उसका प्रस्ताव मंजूर करना पड़ा। लड़ाई शुरू हुई और बुढ़िया का इकलौता बेटा मारा गया। जब बुढ़िया यह बुरी खबर सुनते ही राजा के पास पहुंची, तो राजा ने कहा कि अब रोने से कोई लाभ नहीं। बुढ़िया बोली, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अगर दोबारा लड़ाई हुई तो दूसरा बेटा कहाँ से लाऊंगी। फुल स्टॉप। आप अपना इस वीडियो को प्रैक्टिस करके और फिर डिक्टेशन को अक्षरशः अनुवाद करेंगे ताकि शुद्धता का भी आपको आभास हो सके। थैंक्स।